बनाना है लगभग एक फुट के बराबर में। बॉडी को आगे पीछे रोल करें, हथेलिया आसमान की तरफ, पैरों को थोड़ा खोल लें। और विश्राम करें, समय की कमी के कारण हमें बहुत जल्दबाजी। मैं बताना चाहता हूं, मैंने ना योग से बहुत कुछ पाया है, मतलब कीड़ा अगर उसके बाद उसको कमल पे बिठा दिया जाए, मैंने अपने जीवन तो भी कोई दुख। आज के इस प्रोग्राम के बीच मैं हूं बेनती करांगा श्री परमिंदर शर्मा जी नू के लिए ये मैसेज देना चाहेंगे कि योग के इतने लाभ हैं, इसके बारे में ना लोगों को पता नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ना पहले भी, योग हमारे शरीर से रोगों को तो दूर भगाता ही है, बट हमारे अंदर की योग्यता को भी जगाता है। योग में इतनी पावर है भी, मकसद ये है भी लोगों को जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोग बीमारियों से दूर रहें, शरीर से भी स्वस्थ रहें और मन से भी स्वस्थ रहें। तो ये मेरा अनुभव है और ये मेरे जैसे लाखों लोग जो इस परिस्थिति को पा चुके हैं उनका भी अनुभव है। तो मकसद ये है भी इसको जन जन तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत जरूरी है जी, तो हर एक इंसान नो योग करना चाहिए, ये नाल अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, बंदा रिलैक्स रहता। इस जे आप लंबे समय लिए करा तो रूटीन च करते रहेंगे तो शरीर लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, ये इंसान बहुत सारिया बीमारियों तो बच सकता है।